गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्वेश्चन नंबर 3 बता रही हूँ कि प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं, इसको समझाइए। तो मैं आपको बता रही हूँ, इसका आंसर आप नोट करिए, छोटा सा ही है, 1.5 पेज का आंसर है, आप बस नोट कर लीजिए। तो इसकी डिटेल आप लिखिए, कोई हेडिंग वेडिंग नहीं डालनी है, बस आप लिखना शुरू करिए कि कंप्यूटर मेमोरी में इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाएं कंप्यूटर मेमोरी में इंफॉर्मेशन एवं प्रोग्राम संग्रहित किए जाते हैं। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का अत्यंत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। वे सभी सूचनाओं जो इनपुट हेतु आवश्यक होती है तथा आवश्यक निर्देशों के बाद प्राप्त मध्यवर्ती एवं अंतिम परिणाम यानी कि अंतिम लास्ट रिजल्ट आउटपुट यूनिट में जाने से पूर्व मेमोरी में स्टोर होते हैं। मेमोरी सीपीयू से जुड़ी रहती है। मेमोरी अनेक सेल्स से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक सेल्स में एक बिट होते हैं जो 0 या 1 पर स्टोर करने की क्षमता होती है। सेल फ्लिप या फ्लॉप के रूप में बनाए जाते हैं जो ऑन के रूप में 1 तथा ऑफ के रूप में 0 में संग्रहित करते हैं। मेमोरी 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है आपका प्राइमरी मेमोरी, सेकंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी। तो फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिए प्राथमिक मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी करके, अब इसकी आप डिटेल लिखिए, हेडिंग डाल दिया आपने प्राइमरी मेमोरी करके। तो लिखिए प्राइमरी मेमोरी यह कंप्यूटर के सीपीयू का एक आवश्यक भाग होता है। इसे आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर की क्षमता को आंकने में इस आंतरिक मेमोरी की संग्रहण क्षमता का बहुत महत्व होता है। इस मेमोरी से किसी की भी सूचना को किसी भी स्थान से प्राप्त किया जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी में सभी प्रोग्राम डेटा के साथ संग्रहित रहते हैं। यह मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। मैं आपको इसका डायग्राम बता देती हूँ। यह डायग्राम पहला लिखा उन्होंने कि प्राथमिक मेमोरी, फिर लिखा है प्राथमिक मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। और उन्हें बताया कि रैम में 2 मेमोरियाँ होती है, और पहला होता है स्टैटिक मेमोरी और दूसरी होती है डायनेमिक मेमोरी। रोम मेमोरी आपकी 3 प्रकार की होती है, रोम, ईप्रोम, ईपीप्रोम। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ उसके आगे का। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी फर्स्ट पॉइंट डाल लीजिए आप रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैं आपको इन सब की डिटेल करवा देती हूँ और उसके बाद में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी करके आप हेडिंग डाल लीजिए। अब आप लिखिए इसकी डिटेल। रैंडम एक्सेस मेमोरी यह सूचना को किसी भी पते पर स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, या फिर आप इसे देखते हो कि यदि सूचनाओं को किसी भी पते पर भंडारित किया जा सकता है, हो सकता है एवं किसी भी पते से सीधा पढ़ा जा सकता है, तो इसे रैम कहा जाता है यानी कि रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का प्रयोग करते समय सबसे अधिक काम में लाई जाने वाली मेमोरी होती है। कंप्यूटर के बंद किए जाने पर इस मेमोरी में स्टोरेज इन्फॉर्मेशन अपने आप नष्ट हो जाती है, अपने आप डिलीट हो जाती है, करप्ट हो जाती है, क्रैश हो जाती है, इसलिए इस मेमोरी को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर में इनपुट की जाने वाली सूचना सर्वप्रथम इसी मेमोरी यानी कि कौन सी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होती है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, पहला स्टैटिक मेमोरी, दूसरा डायनेमिक मेमोरी। अब स्टैटिक मेमोरी क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। स्टैटिक मेमोरी करके या स्टैटिक रैम करके आप हेडिंग डाल दीजिए। स्टैटिक रैम करके आपने हेडिंग डाल दी, अब इसकी डिटेल लिखिए। यह बायपोलर सेमी कंडक्टर मेमोरी तथा मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर से मिलकर बना होता है। यह बायोपोलर सेमी कंडक्टर मेमोरी तथा मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर से मिलकर बना होता है। यह तीव्र गति से कार्य करने वाला तथा खर्चीला होता है। इसका घनत्व भी कम होता है, कम लेवल का होता है। अब आपका डायनेमिक रैम, तो डायनेमिक रैम करके आप हेडिंग डाल दीजिए। डायनेमिक रैम करके अगर आपने हेडिंग डाल दी तब इसकी डिटेल लिखिए। यह
मोसिजेट और कैपेसिटर्स के द्वारा बना होता है। यह मध्यम गति से कार्य करता है तथा सस्ता होता है। इसमें घनत्व उच्च होता है। अब आप सेकंड नंबर लिखिए, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी करके अगर आपने हेडिंग डाल दिया, अब आप इसकी डिटेल लिखिए। रीड ओनली मेमोरी में इंफॉर्मेशन या सूचना स्थायी रूप से स्टोर होते हैं। कंप्यूटर निर्माण के टाइम ही इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी जाती है, जिन्हें यूजर्स केवल पढ़ सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो कंप्यूटर के परिचालन यानी कि चल पहल या परिचालन हेतु आवश्यक होती है। ये मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में होती है। कंप्यूटर परिचालन हेतु विशेष प्रोग्राम जिन्हें माइक्रो प्रोग्राम्स कहते हैं इसमें संग्रहित होते हैं। थर्ड पॉइंट आपका, तो थर्ड पॉइंट में आप हेडन डाल दीजिए प्रोम। प्रोम यानी प्रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आपने प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या फिर प्रोम करके अगर आपने हेडिंग डाल दी है, तब आप इसकी डिटेल लिखिए। तो इसकी डिटेल है, वर्तमान में ऐसे रोम चिप उपलब्ध है जिन पर यूजर्स आवश्यक विशेष प्रोग्राम अंकित कर सकते हैं। इसे प्रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। एक बार प्रोग्राम अंकित करने पर वह स्थायी प्रकृति का रोम बन जाता है तथा उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फोर्थ पॉइंट है आप ई प्रोम। ई प्रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप ऐसी हेडिंग डाल दीजिए, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी करके अगर आपने हेडिंग डाल ली, तो आप इसकी डिटेल लिखिए। प्रोम में संग्रहित सूचना परिवर्तित नहीं की जा सकती है, इसलिए यूजर्स अपनी इच्छा से प्रोग्राम में परिवर्तन नहीं कर सकता। इसी कमी को दूर करने हेतु या दूर करने के लिए वर्तमान में ई प्रोम चिप उपलब्ध है जिन पर संग्रहित या जिनमें जिन पर स्टोरेज इन्फॉर्मेशन को अल्ट्रा वायलेट लाइट द्वारा हटाया जा सकता है। इससे मेमोरी स्थान खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है, जिस पर उपयोगकर्ता यानी यूजर्स अपनी इच्छा के अनुसार दोबारा उसमें प्रोग्राम अंकित कर सकता है, डाल सकता है। तत्पश्चात यह पुनः ये सूचनाएं स्थायी प्रकृति की बन जाती हैं। शोध एवं अनुसंधान कार्यों में इस प्रकार के मेमोरी का अत्यधिक उपयोग होता आ रहा है एवं आगे भी होता है रहेगा। ठीक है, अब आपका फोर्थ पॉइंट ये कंप्लीट हो गया, लेकिन फोर्थ पॉइंट के अंदर ही आपका जो है अगला सेकेंडरी मेमोरी। मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में तो बता दिया, अब आप डालिए कि सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी सिर्फ आपका एक पेज की है, इसमें कोई पॉइंट नहीं, आप सडन लिखना। तो सेकेंडरी मेमोरी करके अगर आपने हेडिंग डाल दी है, तो आप इसकी डिटेल लिखिए कि कंप्यूटर में एक और एक प्रकार की मेमोरी काम में लाई जाती है, जिसे द्वितीयक या सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी में डेटा को अत्यधिक मात्रा में दीर्घावधि तक स्टोरेज किया जा सकता है। प्राइमरी मेमोरी की संरचना सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालित पर आधारित होती है, जो कि अत्यधिक लागत वाले होते हैं। यद्यपि सेमीकंडक्टर आधारित मेमोरी प्राथमिक मेमोरी यानी कि अत्यधिक तीव्र गति से कार्य करती है, किंतु अत्यधिक लागत के कारण यानी इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इसके कारण इसका उपयोग बहुत कम सीमा तक किया जा सकता है। महंगी होने के कारण प्राथमिक मेमोरी की प्रति बीट संग्रहण लागत इसकी कीमत अधिक आती है। सेकेंडरी मेमोरी कम लागत में यानी कि कम खर्च में अत्यधिक सूचनाओं का संग्रहण एवं संरक्षण कर सकती हैं। वर्तमान में कंप्यूटर के अत्यधिक यूज़ को देखते हुए, जिसमें प्रोग्राम हेतु बड़ी संख्या में सूचना के संग्रहण की आवश्यकता हो, केवल प्राथमिक मेमोरी के संग्रहण के आधार पर कार्य नहीं हो सकता। सेकेंडरी मेमोरी स्पीड में अपेक्षाकृत स्लो होती है, किंतु स्टोरेज क्षमता काफ़ी अधिक होती है, काफ़ी हाई होती है। और इसकी स्टोरेज क्षमता हाई होने के कारण वर्तमान में कंप्यूटर यूज़ में इसकी उपयोगिता बढ़ गई है। प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी के द्वारा सीधे उपयोग में ली जाती है।
जबकि द्वितीयक मेमोरी का यूज़ प्रोसेसर द्वारा सीधे नहीं किया जा सकता। द्वितीयक मेमोरी की वांछित सूचनाएं प्रोसेस के समय पहले मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी में यानी कि प्राइमरी मेमोरी में हस्तांतरित यानी ट्रांसफ़र होती है, जिसमें प्रोसेसर द्वारा यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी आदि ये प्रकार की प्रमुख जो द्वितीयक मेमोरी उपकरण होते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब आपको जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी करवा दी, अगला आपका जो क्वेश्चन है कि आपको इसमें टिप्पणी लिखनी है, निम्नलिखित को समझाना है। पहले आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ये तो आपको पता ही कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार लिखवा दूंगी। और उसमें आपको सेकंड बोला है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। तो मैंने अभी अभी आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस करवाया था, तो आप मेरे इस वीडियो में से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का जो भी मैंने लास्ट का बोला था कि कंप्यूटर में एक और एक प्रकार की मेमोरी काम में लाई जाती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस करके जो मैंने आपको पूरी हेडिंग लिखवाई और वहाँ से आखिरी तक लिखवाया, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का ये पूरा आंसर आप लिख लेना, ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का वो हो जाएगा। और इनपुट और आउटपुट डिवाइस तो आपको पता ही है, लेकिन मैं इसकी आपको डिटेल में थोड़ी लंबी डिटेल करवा दूँगी, जिससे टिप्पणी थोड़ी लंबी डिटेल मांगते हैं, तो आपका सेकेंड आंसर अगला वाला ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी, तो प्लीज़ आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें।